नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ड्रीम मीनिंग गुरु जीवन पॉइंट जीरो में। आज हम डिटेल में कवर करेंगे सीएस वर्सेस पीवीयू ड्रीम इलेवन टीम ऑफ टुडे मैच त्रिनिदाद टी20 का जो फर्स्ट नंबर मुकाबला खेला जाएगा उसके बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे कौन सा बैट्समैन, कौन सा ऑलराउंडर और कौन सा बॉलर आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक बनेगी, किन किन प्लेयरों को आप सी और वीसी के रूप में ट्राई करके चल सकते हो, ऐसे कौन से प्लेयर होंगे जो आज के इस मैच में आपके लिए स्मॉल लीग में एक बेस्ट पिक बनेगी, और किन किन प्लेयरों को आप मेगा कॉन्टेस्ट जीएल में एज ए ट्रंप कार्ड पिक यूज करके चल सकते हो। तो संपूर्ण एनालिसिस मिलेगा आपको इस वीडियो में, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी हमारी फाइनल टीम रहेगी, जो फाइनल अपडेट रहेगी, वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल के दो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आफ्टर लाइनअप आने के बाद जो भी हमारी फाइनल स्मॉल लीग और मेगा कॉन्टेस्ट जीएल की टीम होगी वो भी आपको हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस, तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब आते हैं गाइस एनालिसिस सेक्शन में। तो दोस्तों, इस मैच का वेन्यू रहेगा नेशनल क्रिकेट सेंटर कोवा त्रिनिदाद में। यह मुकाबला खेला जाएगा आज रात 8:30 पे मुकाबला स्टार्ट होगा। अगर दोस्तों बात की जाए पिच रिपोर्ट की, तो ओवरऑल यहां का विकेट है वो एक बैलेंस विकेट एक्सेप्ट किया गया है, क्योंकि लास्ट के कुछ लंबे समय से देखोगे तो यहां पर कोई भी टी20 मुकाबला नहीं खेला गया है। इस ग्राउंड के फर्स्ट इनिंग के ओवर स्कोर की बात की जाए तो 150 व 160 के राउंड आप अपना ओवर स्कोर है वो एक्सेप्ट करके चल सकते हो, इसी के अंडर आपको ओवर स्कोर है वो बनता हुआ नजर आ जाएगा। बाकी इस ग्राउंड कि जो भी फ्रेश पिच रिपोर्ट होगी वो मिलेगी आपको हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पे, और इस टेलीग्राम चैनल के दो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जल्दी से जाके गाइस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी सीएस की पॉसिबल प्लेइंग 11। उससे पहले गाइस, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर देना गाइस, केवल 50 लाइक का टारगेट रखा है, आई होप आप जल्दी ही कंप्लीट कर दोगे। और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, ताकि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल जाए। अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी सीएस की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो इस टीम की तरफ से आपको लैंडन सिमंस है वो ओपन कराते हुए मिल जाएंगे। टी20 डोमेस्टिक में लास्ट का रिसेंट फॉर्म देखोगे तो लास्ट वाले मुकाबले में 42 रन बैटिंग के साथ साथ किए और पार्ट टाइम बॉलिंग डाली, एक विकेट निकाल के दिए। उससे पहले वाले चार मुकाबलों में देखोगे तो बुरी तरह से फ्लॉप रहे थे। अगर सीएस का टीम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करता है तो उस कंडीशन में आप लैंडन सिमंस को जीएल वगैरह में सीवीसी ट्राई करके चल सकते हो, क्योंकि फॉर्म इतनी अच्छी खासी इनकी नहीं चली है। की जाए के सिमंस की, तो ओडीआई में इन्होंने 7 मुकाबले खेले, 203 रन बनाए, बैटिंग औसत है वो 34 का रहता है। रिसेंट इनकी फॉर्म देखो तो इतनी अच्छी खासी नहीं चली है, लेकिन जीएल में आपके लिए एक ट्रंप कार्ड पिक रहेगी, आपको साथ साथ 2-3 ओवर की बोलिंग डाल के देंगे, साथ साथ आपको ओपन कराते हुए मिल जाएंगे। अगर सीएस का टीम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करता है तो सीधा सीधा आप जीएल वगैरह में सीवीसी भी ट्राई करके चल सकते हो। के ओटली की बात की जाए तो लास्ट जो टी20 में इनका प्रदर्शन देखो तो 4 रन बनाए, सेकंड लास्ट मैच में 47 रन बनाए, और फोर्थ लास्ट मैच में टी20 डोमेस्टिक में फिर से 4 रन बनाए। फॉर्म भी इनकी इतनी अच्छी खासी नहीं चली है, लेकिन एक ओवरेज पिक रहेगी, चाहो तो अपनी टीम में आप जरूर से कवर करके चल सकते हो। राइद इमरित की बात की जाए तो टी20 में अभी तक इन्होंने 146 मुकाबले खेले, 463 रन बनाए, और इनका जो साथ साथ देखो तो बॉलिंग में भी 160 विकेट है वो निकाल के दे चुके। रिसेंट फॉर्म भी इनकी काफ़ी लाजवाब चली है, तो इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहने वाली है। अगर आप राइद इमरित को चाहो तो स्मॉल ओवर में भी सीवीसी ट्राई करके चल सकते हो। इमरान खान की बात की जाए तो रिसेंट का फॉर्म इनका देखो तो लास्ट वाले मुकाबले में 4 विकेट निकाल के आ रहे हैं, सेकंड लास्ट मैच में विकेट लेस रहे हैं। उससे पहले वाले दो मैचों में देखो तो 3 विकेट 2 विकेट निकाल के दिए, और 39 मैचों में देखो तो 31 विकेट ये निकाल के अभी तक दे चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट पिक रहेगी इमरान खान, तो जरूर से अपनी टीम में आप कवर करके चलना। क्रिस्टोफर रामसरन की बात की जाए तो लास्ट के 4 मुकाबलों में इनका प्रदर्शन देखो तो बहुत ज्यादा खराब रहा है। टी20 में अभी तक इन्होंने 5 मुकाबले खेले और 5 मुकाबलों में 3 विकेट निकाल के दिए, तो आप ओनली जीएल वगैरह में ट्राई करके चल सकते हो, स्मॉल वगैरह में ड्रॉप करने का रिस्क भी ले सकते हो। मैंड्रोन रामदीन की बात की जाए तो इनका भी फॉर्म इतना अच्छा खासा नहीं चल रहा है, अगर आप चाहो तो जीएल वगैरह में ट्राई करके चल सकते हो। बैटिंग औसत तो ओवरऑल 24 का रहता है, तो एक बढ़िया पिक भी आपके लिए बन सकती है। एरोन एल्फ्रोड की बात की जाए तो लास्ट के 2 मुकाबलों में ये भी फ्लॉप रहे, लेकिन उससे पहले वाले 2 मुकाबलों में देखो तो 30 रन बना के आ रहे हैं, और ओडीआई में देखो तो 3 मुकाबलों में केवल 23 रन बनाए, बैटिंग का इतना ज्यादा मौका नहीं मिलता है, बैटिंग ऑर्डर नीचे रहता है। उस कंडीशन में आप चाहो तो जीएल वगैरह में ट्राई करके चल सकते हो। मार्लो रिचर्डसन की बात की जाए तो लास्ट मैच में बॉलिंग में 1 विकेट निकाला, सेकंड लास्ट मैच में विकेट लेस, थर्ड लास्ट मैच में 2 विकेट और फोर्थ लास्ट मैच में 1 विकेट। और यहाँ पे एफसी में देखो तो 39 मुकाबले इन्होंने खेले थे, साथ साथ 87 विकेट निकाल के दिए, और बैटिंग में भी 665 रन बना के दिए, तो जीएल में आपके लिए एक ट्रंप कार्ड पिक रहेगी, तो जीएल वगैरह के रोटेशन में आप सीवीसी भी ट्राई करके चल सकते हो, स्मॉल ओवर में चाहो तो वीसी भी ट्राई करके चल सकते हो। रायन एस्टिन की
की बात की जाए तो एक बढ़िया पिक आपके लिए रहेगी। T20 में 13 मुकाबलों में 12 विकेट निकाल के दिए, तो अपनी टीम में आप जरूर से कवर करके चला। एंडरसन महेश की बात की जाए तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है। ODI में अभी तक इन्होंने 10 मुकाबले खेले, 10 मुकाबलों में 14 विकेट निकाल के दिए, तो इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके चला। शिवशंकर की बात की जाए तो शिवशंकर ने ODI में 8 मुकाबलों में 10 विकेट निकाल के दिए, और जो लास्ट ODI मुकाबला खेल के आए उसमें इन्होंने 2 विकेट निकाल के दिए, तो इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। रॉकी जयपुर की बात की जाए तो 4 मुकाबलों में इन्होंने 10 विकेट निकाल के दिए अपसी में, तो इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहेगी, अगर खेलते हैं तो जरूर से ट्राई करके चलना गाइस। वहीं बात की जाए डैनियल विलियम्स की तो ओवरेज पिक आपके लिए रहेगी, प्रदर्शन इनका भी काफी लाजवाब रहता है, तो ओवरऑल आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में मिल जाएंगे, तो जरूर से अपनी टीम में कवर करके चल लेना गाइज। अगर गाइज आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर देना गाइज, केवल 50 लाइक का टारगेट है, आई होप आप जल्दी ही कंप्लीट कर दोगे। और हमारी जो फाइनल टीम रहेगी, जो फाइनल अपडेट रहेगी, वो मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल के 2 लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जल्दी से जाके गाइज टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना। अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी PVU की पॉसिबल प्लेइंग 11। उस तो गाइज इस टीम की तरफ से आपको इटन बाल है वो ओपन कराते हुए मिल जाएंगे। T20 में अभी तक इन्होंने 2 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबलों में केवल 9 रन बनाए, और IS स्कोर है वो भी इनका 8 का रहा है, तो ओवरऑल रिस्की पिक आपके लिए रहेगी, चाहो तो आप GL वगैरह के कॉम्बिनेशन में ट्राई करके चल सकते हो गाइज। वहीं बात की जाए शेरविन गंगा की तो इन्होंने T20 में 38 मुकाबले खेले, 180 रन बनाए, IS स्कोर है वो इनका 40 का रहा है, और पार्ट टाइम ये बॉलिंग भी डाल के देते हैं। 18 मुकाबलों में इन्होंने बॉलिंग डाली है और 44 विकेट निकाल के दिए, और रिसेंट का फॉर्म इनका काफी लाजवाब चला है, तो शेरविन गंगा आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी PVU की टीम की तरफ से, तो जरूर से अपनी टीम में कवर करके चला। अगर बाकी आप सुमोली वगैरह में चाहो तो VC भी ट्राई करके चल सकते हो। वहीं बात की जाए कायल रूपचंद की तो टेस्ट में इन्होंने 1 मुकाबला खेला, 1 मुकाबले में 5 रन बनाए, और 1 मुकाबले में इन्होंने 10 ओवर की बॉलिंग डाली, सफलता नहीं मिली, इतना अच्छा खासा इनको अनुभव नहीं है, तो आप ओनली GL वगैरह में ट्राई करके चला। विशाल रूप नारायण की बात की जाए तो ODI में इन्होंने 2 मुकाबलों में देखो तो केवल 11 रन बनाए और 1 विकेट निकाल के दिए, इनके पास भी इतना अच्छा खासा अनुभव नहीं है, तो आप ओनली GL वगैरह में ही ट्राई करके चला गाइस। फारुल जुगमोहन की बात की जाए तो T20 में इन्होंने 3 मुकाबले खेले, 3 मुकाबलों में केवल 15 रन बनाए, और साथ साथ देखो तो पार्ट टाइम बॉलिंग भी डाल के देते हैं, और 3 मुकाबलों में इन्होंने 3 विकेट भी निकाल के दिए, तो बॉलिंग के थ्रू ओवरऑल आप देखोगे तो आपके लिए एक ओवरेज पिक रहेगी, तो जरूर से अपनी टीम में ट्राई करके चला। और नानान की बात की जाए तो इन्होंने ODI में 1 मुकाबला खेला, 1 मुकाबले में 23 रन बनाए, बैटिंग औसत भी देखो तो 23 का ही रहा है इनका, तो ओवरऑल आपके लिए एक ओवरेज पिक रहेगी, चाहो तो अपनी टीम में आप जरूर से कवर करके चल सकते हो। जेवन अली की बात की जाए तो लेसन ए में इन्होंने 3 मुकाबले खेले और 3 मुकाबलों में इनको ज़्यादा कुछ नहीं अनुभव मिला है, और भी सफलता इनको नहीं मिली है, तो आप सीधा सीधा ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। डोमिन ओमाचिन की बात की जाए तो ODI में 2 मुकाबलों में केवल 15 रन बनाए, लेकिन बॉलिंग में 2 विकेट निकाल के दे चुके, तो ओवरऑल पिक आपके लिए रहेगी, चाहो तो अपनी टीम में आप जरूर से कवर करके चल सकते हो। रमेश बिरजलाल की बात की जाए तो T20 में 2 मुकाबलों में 14 रन बनाए और साथ साथ 1 विकेट निकाल के दिए, तो एक ओवरेज पिक आपके लिए रहेगी, चाहो तो अपनी टीम में आप कवर करके चल सकते हो। करण काइन की बात की जाए तो टेस्ट का 1 मुकाबला खेला, 1 मुकाबले में 16 रन बनाए, तो सीधा सीधा आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। बाकी नीचे के जितने भी प्लेयर हैं उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो आप इन प्लेयर को सीधा सीधा आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। बाकी आप चाहो तो GL वगैरह के कॉम्बिनेशन में ट्राई करके चल सकते हो। भाई PVU की टीम की तरफ बेंचेज की तरफ में जो भी चेंजेस होगा वो मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल के 2 लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जल्दी से जाके गाइस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। ये तो हो गया दोनों टीमों का स्टेट वाइज एनालिसिस, अब बात कर लेते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस और क्या रहेगी आज की हमारी ड्रीम 11 की टीम गाइज। सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइज विकेट कीपिंग सेक्शन में, तो LL Fred है आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है, तो जरूर से अपनी टीम में कवर करके चला। AL Bhatt को आपको ओपन कराते हुए मिल जाएंगे, अगर तो आप चाहो तो GL वगैरह में ट्राई करके चल सकते हो, क्योंकि इतना अच्छा खासा इनको अनुभव भी नहीं है और इनकी फॉर्म भी इतनी अच्छी खासी नहीं चली है, तो आप ओनली GL वगैरह के कॉम्बिनेशन में ट्राई करके चला। डैनियल विलियमसन की बात की जाए तो इनका खेलना इस मैच में संभव नहीं रहेगा, अगर खेलते तो आप ओनली GL वगैरह में ट्राई करके चल सकते हो, क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा नीचे रहेगा। वहीं बात की जाए बैटिंग ऑर्डर में, तो बैटिंग ऑर्डर में लैंडन सिमंस हो गया आपको ओपन कराते हुए मिल जाएंगे, हालांकि फॉर्म इतनी अच्छी खासी नहीं चली है, लेकिन GL में एक इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहेगी, तो जरूर से ट्राई करके चला। वहीं बात की जाए एस गंगा की तो इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहने वाली है, आपको ओपन कराते हुए भी मिल जाएंगे, तो जरूर से अपनी टीम में कवर करके चला। के सिमंस भी आपको ओपन कराते हुए मिल जाएंगे, हालांकि फॉर्म इतनी अच्छी खासी नहीं चली है, लेकिन बाकी आप GL वगैरह में ट्राई करके चल सकते हो। सुमोली वगैरह में आप ड्रॉप करने का रिस्क भी ले सकते हो। वहीं बात की जाए बी रामदीन की तो देखो तो 3% ही लोग इस प्लेयर को ट्राई करके चले, लेकिन इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहने वाली है, तो जरूर से अपनी टीम
में आप कवर करके चला कि कॉयल टलिया ये आपको वन डाउन बैटिंग कराते हुए मिल जाएंगे सीएस की टीम की तरफ से, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है। अगर सीएस का टीम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करता है तो उस कंडीशन में आप जाओ तो अपनी टीम में कवर करके चल सकते हो, बाकी जीएल वगैरह में आप जरूर से ट्राई करके चला। ऑलराउंडर सेक्शन में बात की जाए तो रायद इमरत आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, तो जरूर से अपनी टीम में कवर करके चला। नरूप नारायण इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है पीवीयू की टीम की तरफ से, तो जरूर से अपनी टीम में आप कवर करके चला। भाई जीएल वगैरह में चाहो तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करके चल सकते हो। एम रिचर्डसन आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, भाई सेफ सीवीसी की चॉइस रहने वाली है, तो जरूर से अपनी टीम में कवर करके चला। जे एल्फ्रेड की बात की जाए तो ये भी आपके लिए जीएल में एक ट्रंप कार्ड पिक रहने वाली है, बाकी स्मोली वगैरह की हर टीम में आप कवर करके चला। 5% लोग इस प्लेयर को ट्राई करके चले हैं, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, तो जरूर से अपनी टीम में कवर करके चला। स्मोली आपको वन साइडेड वन करवा के दे सकता है ये प्लेयर। वहीं बात की जाए बोरिंग सेक्शन में तो एम राममुंशी है, इनकी बात की जाए तो बढ़िया पिक आपके लिए रहेगी, तो जरूर से ट्राई करके चला। जी नंदलाल की बात की जाए तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, क्योंकि इनकी दोनों की फॉर्म काफ़ी लाजवाब चली है, तो इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है, जरूर से ट्राई करके चला। वहीं बात की जाए डी जोमिची की तो ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, 5% लोग इस प्लेयर को ट्राई करके चल रहे हैं, लेकिन जीएल में इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। स्मोली वगैरह में आप जरूर से ट्राई करके चल सकते हो। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए उससे पहले गाइस देखो तो के रामसार है, इस प्लेयर को आप चाहो तो जी नंदलाल की जगह पर ट्राई करके चल सकते हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए उससे पहले गाइस अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाके गाइस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल के दो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, फाइनल टीम फाइनल सजेशन आपको यहीं पर मिलेगा, तो इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेना। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो एम रिचर्डसन को मैं अपनी टीम में कैप्टन ट्राई करके चला, वाइस कैप्टन है वो रायद इमरत को ट्राई करके चला। वहीं वी रूप नारायण को आप चाहो तो सीवीसी ट्राई करके चल सकते हो। जीएल वगैरह में एल अल्फ्रेड वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी जीएल वगैरह में। वहीं देखो तो लंडन सिमंस को 54% लोग सीवीसी ट्राई करके चले, लेकिन इनकी फॉर्म है वो इतनी अच्छी खासी नहीं चली, बाकी आप जीएल वगैरह में आप जरूर से सीवीसी ट्राई करके चल सकते हो। वहीं बी रामदीन भी आपके लिए जीएल में एक ट्रंप कार्ड पिक रहेगी, तो जीएल वगैरह में आप बी रामदीन को भी सीवीसी ट्राई करके चल सकते हो। गाइज टीम प्रीव्यू की बात की जाए तो गाइज देखो ये हमारी फाइनल टीम नहीं है, ओनली एक डेमो टीम है, जो फाइनल टीम होगी आप टॉस के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी, और टेलीग्राम चैनल के दो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जल्दी से जाके गाइस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। अगर आपको गाइस स्टेट एनालिसिस अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।